एक किलो चीनी का भाव 39 रुपए है, तो 300 ग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा? जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस डेली लाइफ में हमारे सामने रोज रोज आते रहते हैं और हमें इनका हिसाब करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो तरीका हम लोग आज सीखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ एक और सरल तरीका आप सीखेंगे जिससे आपका डेली लाइफ जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा और मजबूत होगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या बताया गया है हमें, यहां बताया गया है जो चीनी का भाव है वो भाव कितना है, 39 रुपए प्रति केजी है भाव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 केजी अगर हम लेते हैं चीनी, तो 1 केजी हमें कितने का मिलेगा? ये हमें मिलेगा 39 रुपीज का। अब यहां पर देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको अपने माइंड में क्या करना है, देखिए हर बार हमें किलो का ही भाव बताया जाता है और उसी के हिसाब से हमें अपना कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो अब इसको कैसे करेंगे आप समझिए, यहां पर आप इसको क्या समझेंगे, ये देखिए 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम। क्या होते हैं? 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो आपको यही समझना है, यहां पर देखिए 39 रुपए है, तो यहां पर देखिए कितने का मिलेगा, 39 रुपए का मिलेगा, क्योंकि केजी में ही 1000 ग्राम भी होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां हर बार जीरो हटाना है। तो जब हम हर बार जीरो हटाएंगे तो ये अगली बार हो जाएगा 100 ग्राम, इसके बाद फिर से यहां से जीरो हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 ग्राम, इसके बाद फिर से जीरो हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 ग्राम। अब यहां पर हमें हर बार करना क्या है, यहां पर हमें हर बार करना ये है कि यहां पर पीछे से एक एक अंक पर हमें दशमलव लगाते जाना है। क्या लगाते जाना है? पीछे से एक एक अंक पर जो भी उसका भाव होगा उसमें आप एक एक अंक तक दशमलव, एक एक अंक पर दशमलव लगाएंगे। तो यहां कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा 3.9। ठीक है, और दशमलव में रुपए पैसे जो होते हैं उसको 2 अंक तक लिया जाता है, तो इसके पीछे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ 0 अपने से लिख देंगे इतने रुपए, क्योंकि 3 रुपए 90 पैसे हैं, क्योंकि दशमलव के आगे रुपए होते हैं और दशमलव के पीछे क्या होते हैं? पैसे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये आ चुके हैं। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, फिर से यहां पर दशमलव और आगे इधर आ जाएगा और ये हो जाएंगे 3.9। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से ये इधर आ जाएगा और यहां पर हो जाएंगे 0.3। ठीक है, रुपए। अब आगे कुछ भी नहीं तो आप 0 लगा सकते हैं, 0 रुपीज आगे होंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा टेबल बन गया है और इसमें ज्यादा कैलकुलेशन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस तरह से हमारे पास 1000 का ग्राम का दाम, 100 ग्राम का दाम, 10 ग्राम और 1 ग्राम का दाम मिल चुका है। यहां पर 39 रुपीज यानी कि 39 रुपए थे, यहां 3 रुपए 90 पैसे, यहां पर 39 पैसे और यहां पर 3 पैसे। अब देखिए यहां पर हमें 300 ग्राम का पूछा हुआ है, तो यहां पर हमें 300 ग्राम का पूछा हुआ है, तो देखिए हम ये 100 ग्राम वाला ही हम ले लेंगे, 100 ग्राम वाला हम हिसाब उठाएंगे। तो देखिए यहां पर 100 ग्राम का कितना है, 3 रुपए 90 पैसे है 100 ग्राम के लिए। अब इसी में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो यहां पर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 300 ग्राम, और जो कि हो जाएंगे 3×9=27, हाशिए लगा 2, 3×3=9 और 2=11, और यहाँ 1 अंक पर दशमलव लग जाएंगे। अब देखिए जैसा कि आपको पता है दशमलव में रुपए पैसे में 2 अंक तक लिया जाता है, तो ये हो जाएंगे 11 रुपए और यहाँ पर 0 लगा के हम कहेंगे 70 पैसे। तो ये देखिए 11 रुपए 70 पैसे के यहाँ पर ये आ रहे हैं।
तो इस तरह से आप दिमाग में टेबल बना के यहाँ पर गुणा करके आप कर सकते हैं। अब इससे भी सरल तरीका क्या है दोस्तों, तो इस पे देखिए यहाँ पर एक सरल तरीका भी है, सबसे आसान तरीका। सबसे आसान तरीका में यहाँ पर क्या करना होगा समझिएगा, यहाँ पर देखिए हमें ये 39 रुपए किलो दिया हुआ है, ठीक है। तो 39 रुपए किलो दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसको देखिए क्या होता है, हमारा दिमाग पूरा पूरा आंकड़ा तो आसानी से कर लेता है, समझ लेता है, कैलकुलेशन फास्ट कर पाता है, लेकिन थोड़ा अटपटे क्वेश्चन में ये थोड़ा सा स्लो काम करता है। तो इसमें हमें करना क्या है, जैसे हमें यहाँ 39 दिया हुआ है, ठीक है। अब 39 दिया हुआ है तो हम इसको मान लेंगे 40, क्या मान लेंगे 40 रुपीज। अब 40 रुपीज हो गए 1000 ग्राम के, ठीक है। तो यहाँ पर 100 ग्राम के कितने होंगे, तो देखिए अब जब यहाँ पे जीरो वाले आ गए तो बहुत आसान हो गया करना, जीरो से जीरो कट कर दीजिए, 100 ग्राम कितने का होगा 4 रुपए का। हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 300 ग्राम, तो 300 ग्राम के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 4 किया 12, फटाफट 12 रुपए आ गए, ठीक है। अब ये तो हमारे आ गए हैं 40 रुपए भाव के हिसाब से, लेकिन मुझे तो चाहिए तो 39 रुपए के हिसाब से। तो अब देखिए इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ा, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए 10 पैसे का डिफरेंस है, इसमें इसमें कितने का डिफरेंस है, मात्र 10 पैसे का डिफरेंस है, मतलब कि इतना इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3 रुपए 90 पैसे, ठीक है, इतना आएगा, ठीक। तो अब इतना कम करना है, अगर 100 का है तो अब इसी का 3 गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 30 रुपए कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इसमें से ये भी माइनस करना पड़ेगा, जिस तरह से 4 रुपए में 10 पैसे घटाएंगे तो देखिए यहाँ तक पहुंच गए हम, तो उसी तरीके से यहाँ 12 रुपए में 30 पैसे घटा देंगे तो आपको आ जाएंगे 11 रुपए 70 पैसे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या समझा, जो भी हमारा अटपटा आंकड़ा है उसको हम पहले पूरा पूरा कर लेंगे, और पूरा करने के बाद क्या करेंगे, जब हमारा टोटल जितना हम निकालना चाहते हैं आ जाएगा तो तब हम अपने ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से उसमें हम माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब बहुत से हमारे साथी क्या है, कैलकुलेटर ट्रिक जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कैलकुलेटर अगर एंट्री करना चाहे तो कैलकुलेटर में फटाफट हम कैसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर ट्रिक से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए कैलकुलेटर एंट्री के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर एंट्री में बस सिर्फ सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना होता है, हम क्या निकालने जा रहे हैं, मूल्य, मूल्य। तो मूल्य किसमें आएगा, मूल्य आएगा रुपए में आएगा, किसमें आएगा रुपए में। तो जब जब हमारा जिसमें भी वैल्यू आना है, जो हमें जानकारी दी गई है उसमें सबसे पहले वही वाला रुपए निकालना है, तो रुपए वाला ही सबसे पहले एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे भाव के रुपए, यहाँ पर क्या हो जाएंगे भाव के रुपए, भाव के रुपए यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे और यहाँ पर हम 1000 एंटर करेंगे, क्या एंटर करेंगे 1000, ठीक है। अब ये 1000 क्या है, क्योंकि एक किलो में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, इसीलिए हर बार आपको यहाँ पर 1000 ही एंटर करना है। इसके बाद हम यहाँ गुणा लगाएंगे, और गुणा लगाने के बाद यहाँ पर हमें क्या एंटर करना है, कितना मात्रा हमें चाहिए, हमें यहाँ मात्रा एंटर करना होगा, क्या एंटर करना होगा मात्रा। तो हम मात्रा एंटर कर देंगे, फटाफट हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है दोस्तों कि ये ग्राम में है, जैसे 1000 ग्राम तो ये भी ग्राम में होना चाहिए, ये मात्रा किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा, वरना हमारा आंसर गलत भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं अपने इस क्वेश्चन के लिए, तो क्या होगा यहाँ पर, तो भाव हमारा है 39, तो 39 एंटर हो गया, डिवाइड का चिन्ह लगाते हैं, इसके बाद यहाँ पर 1000 एंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर ग्राम है तो यहाँ पर मात्रा 300 ग्राम है, तो हम यहाँ 300 जैसे ही एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 11.7। तो ये हमारे, चूंकि हमने रुपए शुरू शुरू में एंटर किया था, तो यहाँ पर हमारे रुपए में हमारा आंसर आएगा, और रुपए पैसे में दशमलव के 2 अंक तक लिया जाता है, तो ये हो गए 11 रुपए 70 पैसे।
इस तरह से आसानी से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे फटाफट हम लोग होमवर्क क्वेश्चन ले रहे हैं और होमवर्क क्वेश्चन आपको कमेंट में इसका जवाब देना है, कमेंट में फटाफट इसका जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तीनों ही जवाब आपको फटाफट से कमेंट में लिखना है। चलिए यहां पर हम दे रहे हैं किशमिश, किशमिश कितने रुपए किलो है, तो किशमिश है मान लेते हैं 480 रुपए प्रति केजी है, और हमें यहां पर जो दाम निकालना है वो दाम कितने का निकालना है, हमें दाम निकालना है 425 ग्राम का दाम, यदि हम नहीं लिख रहे हैं। यहां पर दूसरा जो क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन में वस्तु हम ले रहे हैं कितना 1145 रुपए की केजी, और यहाँ पर जो दाम निकालना है वो निकालना है 170 ग्राम का दाम निकालना है। और तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें हम ले रहे हैं 4096 रुपए प्रति केजी, और यहाँ पर जो हमें मान निकालना है वो निकालना है 25 ग्राम का दाम निकालना है। तो फटाफट कमेंट कीजिए और देखना यह है कि कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम अपना क्वेश्चन इस तरह का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके भी मन में ऐसे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।